You. Hello, hello, hello. You can't sit here, okay? मेरे ऑफिस में नहीं बैठ सकते तुम, खड़े रहो. Perry. जी. ये वही लड़का है ना जो डंडा लेके हमारे क्या तोड़ने चाहता था? Ankle, sir. Yeah, घुटने. जी, मैं उस दिन के लिए माफी चाहता हूँ. मैंने आपको घर से निकाला था. ना ब्रदर, आप कहाँ गया तुम्हारा वो जवानी वाला जोश? मुझसे उस दिन गलती हो गई थी सर. I'm really sorry. मेरे सर बहुत गर्म दिमाग के हैं, ये आपको माफ नहीं करेंगे. अब गेट आउट हो जाओ यहाँ से. नो सर, उसने आपकी बहुत बेइज्जती की थी, इसको गेट आउट करवा दो ऑफिस से. Perry, try to understand. No sir. Okay Perry, वैसे first time तूने मुझे no बोला है, so मुझे मारनी पड़ेगी तुम्हारी बात. Okay brother, you just get out. ओए आजा ब्रदर, अब अंदर ही आजा वापस. ओह या, कम इन सर. डोंट माइंड पेरी, देख दोनों का मान रहा है इसमें. ब्रदर देखो, मैं ना एक बिजनेसमैन हूँ, और बिजनेस का और गुस्से का आपस में कोई मेल नहीं है. अदरवाइज तू गुड सिंगर है, अच्छा गाता है तू, पर देखना अदरवाइज जैसे मेरे बिना फिर भी तू वो यू पीपल सही मिट्टी. हाँ मिट्टी है तू, मिट्टी. ब्रदर जैसे आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं, कलाकार नहीं हूँ मैं, पर कला को पर परखने वाला जौहरी हूँ मैं, है ना? जैसे चील के पंजों की तरह तुझे अपने पंजों में भर के आसमान में उड़ारी लगा सकता हूँ मैं, पर इसके लिए तुझे सरेंडर करना पड़ेगा, जैसे ना मेरी झोली में आना पड़ेगा तुम्हें. क्यों बेरी? आप जो भी कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ. That's good, that's good. बेरी. सर. ओके ब्रदर, तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, ठीक है? यू जस्ट टेक दैट पेन एंड साइन द कॉन्ट्रैक्ट. ओके ब्रदर, सोचता क्या है, वाहेगुरु का नाम लेके साइन कर ले. That's great, congratulations Mr. Abba, what do you say? Kamal. Kamal, बहुत बहुत मुबारक हो तुझे my friend, अब हमारे दूध में पत्ती पड़ गई है, okay? So, Mundi साहब ने हर साल एक सिंगर पैदा करना होता है, उसको हमने स्टार बनाना होता है, स्टार, बिग स्टार बनाना होता है, so इस साल तेरी बारी है. Perry. आप सच कह रहे हो Mundi साहब? As I told you earlier, अब Mundi साहब को सब पता होता है कि सांप कौन सी बिल में बोल रहा है. तू बस यूके जाने की तैयारी कर ले ब्रदर, तू बस अपना पासपोर्ट दे दे, उस पर वीजा लगवाना है. सर, पासपोर्ट तो मेरा भी तैयार है. तुम्हें भी गाना आता है? नहीं सर. तो फिर तुमने क्यों पासपोर्ट बनवाया? सर. किडिंग. पहले तुमने घर छोड़ा, अब इंडिया छोड़ के जा रहे हो. तुम्हें यहाँ करने के लिए कोई काम नहीं मिला. मैंने तुझे कहा था ना लाठी, कि मुझे जो रास्ता मिलेगा वो मैं अपना लूंगा. आज अगर किस्मत मुझे बाहर ले जा रही है तो मैं बाहर ही जाऊंगा. बस अपना सोच लिया, मेरे बारे में सोचा ही नहीं. तुम्हारा क्या पता, तुम बाहर जाके लौटो ही ना. तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं वापस नहीं आऊंगा? तेरे बिना तो मैं अधूरा हूं लाडी, फिर कभी ये बात मत कहना. मुझे बस इतना पता है कि बाहर जो भी जाता है मुड़कर वापस नहीं आता, सब अपनों को भूल जाते हैं. मैं आऊंगा और तू मेरा इंतजार करेगी लाडी, मैं तेरे बिना टूट जाऊंगा. मुझे तो तेरा हौसला चाहिए, देखना कहीं मेरा प्यार मुझसे छीन ना लेना. इतनी देर भी ना करना कमल, कि मेरे घर वाले मेरी शादी का फैसला कर दें और मैं उन्हें नाना कह सकूं. कब जा रहे हो? कल की फ्लाइट है.
कैसे कैसे यही है लंदन, जिसे लोग लंदन लंदन कहते हैं, कैसे आज मैं तुम्हें पूरा इंग्लैंड घुमा दूंगा, लंदन लंदन घुमा दूंगा सारा, है ना काले। यहाँ लाइफ फास्ट है, यहाँ यही खाना पड़ता है, जाते जाते खाना पड़ता है, जाते जाते सारे काम कर। कैसे फिर शो चलता देखा तूने, तेरे ऐसे बिग शोज करवाने मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, है ना, कैसे मैंने तुझे बिग स्टार बनाना है तुझे, मैंने तेरे तेरे पब्लिक शो बिग करवाऊंगा देखना कैसे मैं काले। ये जैसे ना ट्रफाल्गर स्क्वायर है, जैसे सेंट्रल लंदन की मोस्ट पॉपुलर प्लेस है, अब तो जैसे यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, नहीं तो यहाँ पे बहुत कबूतर होते हैं, थाउजेंड्स में कबूतर होते हैं, थाउजेंड्स में कबूतर। इतने कबूतर आते कहाँ से? पंजाबी सिंगर्स के साथ आते हैं। तुमने जैकेट पहन लो, यू नो यहाँ सर्दी बहुत है, यू नो यहाँ पे WWW का ट्रस्ट नहीं खा सकते हम, यू नो जैसे हम वर्क वुमेन वेदर, मतलब कभी भी बदल सकते हैं यहाँ पे। खाने के लिए लिया खा ले यार। यार मुंडी साहब मैं चिप्स खा खा के तंग आ गया हूँ, यहाँ कहीं रोटी शोटी नहीं मिलेगी? यू नो जैसे मोबाइल चिप बिना नहीं चल सकता, यहाँ लाइफ चिप्स बिना नहीं चल सकती, यहाँ यही रोटी है बस, यही खा ले और रब का नाम ले, क्योंकि यूके में रहना है तो तुम्हें चिप्स से दोस्ती करनी पड़ेगी। ले भाई कुलवंत सिंह आज की खबर सुन, पंजाब के एडेड स्कूलों के अध्यापकों का मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम, हमारी मांगे जो ना मानी गई तो आने वाले दिनों में विधानसभा का घेराव किया जाएगा, देख ले। ले भाई जो पढ़ाते हैं, जब उनका ही कुछ नहीं बना तो जो पढ़ते हैं उनका क्या होगा? होना हवाना क्या है, नौकरियां मिलती नहीं, खेती फेल हो गई है, तो लड़के बाहर के देशों को ही भागेंगे, देख ले तेरे सामने ही है। हाँ ठीक है, सत श्री अकाल बुजुर्गो। बैठ जा काका, बैठ जा काका, तुझे पहले नहीं देखा इधर। बस जी पंजाब से अभी आया हूँ यहाँ, काफी समय से पंजाब में खाली बैठा था, अब सोचा क्यों ना कोई कामकाजी करके देख ले। काका तुझे कोई छोटा मोटा गाना शाना आता है तो मेरी बात मान, आज से यही काम शुरू कर दे, आजकल सारे लड़के यही काम करते हैं। काका जब मैं यहाँ आया था उस समय नूर महल की एक सड़क बन रही थी, क्या वो बन गई? वो तो 15 बार बन के 15 बारी रिपेयर भी हो चुकी है बुजुर्गो। पंजाब अब वो नहीं रहा जो आप सोच रहे हो। अच्छा खैर कोई मुझे यहाँ की बात सुनाओ। ओ यहाँ की क्या सुनाए, मेरी बात मानो तो यहाँ पैसे कमा और बुढ़ापे में गांव में जाकर ऐश करना, नहीं तो पार्कों में हमारी तरह बेकार घूमता रहेगा। सो माई फ्रेंड यू नो अब मैंने तुम्हें यूके का चप्पा चप्पा घुमा दिया, कोई है डिफरेंस देख ले, अब अपने कितने लोग यहाँ घूमते फिरते हैं। वो बात तो ठीक है यार, पर हैरानी की बात ये है कि यहाँ लोग इतनी साफ सफाई कैसे रखते हैं। ये तो मता क्या ना करता वाली बात है, अगर यहाँ सरकार सफाई ना रखे तो यहाँ गोरियां नहीं मैली हो जाएंगी। वैसे तू यहाँ से 5-7 गोरियां ले जाके अपने गांव में छोड़ देना तो तुम्हारा गांव भी यूके बन जाएगा। ओए जो थोड़ा बहुत काम करते हैं ना, अपना काम काज छोड़ के पागलों की तरह मेमो के पीछे घूमते नजर आएंगे। वैसे एक बात मेरी समझ में आ गई कि यहाँ खाली बैठ के रोटी नहीं मिल सकती। यू नो बात थोड़ी राइट है वैसे, पर अब तू ऐसा कर ये फिनिश करके ना वो कर ले वो यू पीपल सही गरारे। हाँ गरारे करके गला गर्म कर ले, तब तक मैं अपने यहाँ वो लड़के ढूंढता हूँ जो तुम भी को गिटार का तड़का लगाते हैं। यू नो फ्यूजन का जमाना है बड़े।